अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक के साथ अपना रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक में अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं और आप कन्फ्यूज्ड हैं IDFC फर्स्ट बैंक कैसा बैंक है, यहाँ पे आपको अकाउंट खुलवाने चाहिए या नहीं खुलवाने चाहिए, अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो यहाँ पर क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या इसके नुकसान हैं, साथ में दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक में आपका पैसा कहाँ तक सेफ है और ये बैंक आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ देती है, इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक को। तो अगर आपको भी IDFC फर्स्ट बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको IDFC फर्स्ट बैंक से लेकर जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक अकाउंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहां पर हम बात करने वाले हैं सेविंग अकाउंट के बारे में कि IDFC फर्स्ट बैंक में आपको सेविंग अकाउंट में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है और क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। सबसे पहले अगर हम आपको इन्फॉर्मेशन दें सेविंग अकाउंट के बारे में, तो IDFC फर्स्ट बैंक आपको दो सेविंग अकाउंट ऑफर करती है, एक में जो आपको 10,000 रुपीज मेंटेन करने होते हैं और दूसरे जो सेविंग अकाउंट है उसमें आपको 25,000 रुपीज मेंटेन करने होते हैं। अंतर क्या होता है कि जिसमें आप 10,000 रुपए मेंटेन करते हैं उसमें आपको क्लासिक डेबिट कार्ड दिया जाता है और जिसमें आप 25,000 रुपए मेंटेन करते हैं उसमें आपको वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड दी जाती है। दोनों डेबिट कार्ड के अलग अलग फायदे हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर हम सबसे पहले अगर मिनिमम एवरेज बैलेंस की बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक में कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, यहां पे आपको पैसे मेंटेन करने होंगे। अगर हम बात करें IDFC फर्स्ट बैंक 10,000 वाला वेरिएंट का, तो यहां पे दोस्तों आपको चेकबुक की फैसिलिटी मिलती है, साथ में आपको यहां पे वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड मिलता है। जिस डेबिट कार्ड की जो लिमिट होती है गाइस वो होती है यहां पे आप 1,00,000 रुपीज पर डे अपने ATM कार्ड से विड्रॉ कर सकते हो, वही आप 1,50,000 रुपीज पर डे यहां पे शॉपिंग कर सकते हो। जो वीजा की सिग्नेचर डेबिट कार्ड होती है जिस अकाउंट में आपको 25,000 रुपए मेंटेन करने होते हैं उस अकाउंट में आप ATM से 1 दिन के 2,00,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हो और यहाँ पे आपको शॉपिंग लिमिट 6,00,000 रुपीज पर डे का मिल जाता है। दूसरी बात करें जो वीजा की आपको क्लासिक डेबिट कार्ड है इसमें आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलता है, वही जो वीजा की सिग्नेचर कार्ड है इसमें आपको अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन मिलता है। आपको यहाँ पे जितनी बार चाहो ATM से आप पैसे निकाल सकते हो, कोई भी आपको इसके ऊपर चार्जेस नहीं देने होंगे। साथ में दोस्तों अगर हम IDFC फर्स्ट बैंक की इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग की बात करें तो ये भी बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देती है, तो बिना बैंक जाए यहाँ पे आप अकाउंट भी खोल सकते हैं और उसकी जो KYC है वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा इस अकाउंट की कंप्लीट बेनिफिट्स के बारे में, अब हम बात करते हैं चार्जेस के बारे में। अगर आप IDFC बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो यहाँ पे इसकी जो ATM कार्ड की चार्जेज होती है वो 100 रुपीज होती है और यहाँ पे जो चेकबुक की चार्जेज होती है वो 50 रुपीज, अगर आप चेकबुक रीइशू कराते हैं तो यहाँ पे आपको 50 रुपीज देने होते हैं। दोस्तों अभी तक हमने आपको जो भी सेविंग अकाउंट की कंपैरिजन की है उसमें ये चार्जेस के मामले में IDFC फर्स्ट बैंक बहुत ही बेस्ट बैंक निकल के आ जाती है, क्योंकि यहां पे दोस्तों ज्यादातर आपसे चार्जेस नहीं लिया जाता है और जो डेबिट कार्ड या चेकबुक की चार्जेस है वो भी बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस यहां पे आपसे लिया जाता है। तो यहां पे चार्जेस के लिए हम थम करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक को, क्योंकि यहां पे आपको बहुत ही कम चार्जेस देखने को मिलते हैं। हमारा दूसरा पैरामीटर है बैंक सर्कल की कि IDFC फर्स्ट बैंक कितनी बड़ी है, यहां पे आपको कितने ब्रॉड लेवल की सर्विसेज मिलती है। अगर हम बात करें IDFC फर्स्ट बैंक की तो टोटल इंडिया में अराउंड इनकी 600 ब्रांचेज है और ATM की बात करें तो 541 ATM यहाँ पे अराउंड इंडिया में इनके हैं। अगर हम नंबर ऑफ इंप्लॉइज की बात करें तो 22,000 अप्रोक्स इनके नंबर ऑफ इंप्लॉइज हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। देखिए क्रेडिट कार्ड के मामले में तो ये बैंक हमें बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल जाता है। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, यहाँ पे अगर आप एक सेविंग अकाउंट खोलते हैं उसे अच्छे से मैनेज करते हैं तो IDFC फर्स्ट बैंक आपको सबसे जल्दी यहाँ पे प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड देती है और यहाँ पे इनके क्रेडिट कार्ड में भर भर के आपको फायदे मिलते हैं। सबसे बड़ी बात, इनकी जो क्रेडिट कार्ड है वो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है और IDFC फर्स्ट बैंक आपको बिना इनकम प्रूफ के यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दे देती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्रेडिट कार्ड के मामले में इस बैंक को हम थम करेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं लोन्स के बारे में। देखिए दोस्तों अगर हम लोन्स की बात करें तो लोन में भी इनके बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट है, लोन में भी आपको 100% डिजिटल प्रोसेस मिलता है, आप लोन भी ऑनलाइन अप्लाई ही कर सकते हैं। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको पर्सनल लोन 10.49% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है, वही अगर हम होम लोन की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.5% पर एनम से यहाँ पे इनकी होम लोन जो है वो स्टार्टिंग है, और यहाँ पे अगर हम एडुकेशन लोन की बात करें तो यहाँ पे आपको 9.5% यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो इनका एडुकेशन लोन है वो यहाँ पे आपको मिलता है। तो दोस्तों अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो लोन्स के मुकाबले में भी ये बैंक बहुत ही अच्छी बैंक निकल के आ जाती है।
अब दोस्तों हम बात करते हैं कस्टमर सर्विसेज की। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की कस्टमर सर्विसेज को यहाँ पे बहुत ही अच्छी रेटिंग मिली है। इनकी अगर हम कस्टमर सर्विसेज की बात करें तो इनकी बहुत ही अच्छी कस्टमर सर्विसेज है। तो यहाँ तक हमने आपको जो भी बताए हैं ये बैंक के फायदे बताए हैं। अब हम बात करते हैं बैंक की नुकसान के बारे में कि यहाँ पे आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान है। देखिए अगर हम नुकसान की बात करें तो यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सबसे मेन ड्रॉबैक्स है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एवरेज मंथली बैलेंस की, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं मिलता है। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको मिनिमम 10,000 रुपए मेंटेन करने होते हैं। अगर आपको 10,000 रुपए यहाँ पे मेंटेन करने होते हैं तो और भी आपको बहुत सारे बड़े बड़े बैंकों में ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, यहाँ पे आप आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर हम दूसरे ड्रॉबैक्स की बात करें तो यहाँ पे ये जो बैंक है अभी ग्रोइंग पीरियड में है, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा इनकी ब्रांचेस नहीं है, सारे सिटीज में ये अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे दो जो ड्रॉबैक्स हैं इनकी है। अब आप मेरा ओपिनियन क्या होगा कि अगर आपको इसमें अकाउंट खुलवाने चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों अगर आप मेरा माने तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बहुत ही अच्छी बैंक है। अगर हम पर्सनली इनके जो सर्वर की बात करें, जब आप इसे यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं, नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग की ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ये आपको हर वक्त इनकी जो ट्रांजेक्शन है बहुत ही अच्छी रहती है, कभी भी फेल यहाँ पे इनकी ट्रांजेक्शन नहीं होती है। वही दोस्तों अगर आपको कोई बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा है तो आपको यहाँ से प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड, आपको अकाउंट अच्छे से आप मैनेज करते हो तो ये यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप मेरा मानो तो अगर आपके सिटीज में अगर ब्रांच अवेलेबल हो और आपको यहाँ पे अच्छा बैंक चूज करना हो तो आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ जा सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो मिल जाती है। लेकिन अगर आपके एरिया में ब्रांचेज नहीं है तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि यहाँ पे आप अपना अकाउंट खोलो। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑनेस्ट रिव्यू था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर यहाँ पे हमने कोई भी टॉपिक छोड़ दिया है तो आप हमें कमेंट करके रिमाइंड करा सकते हैं। आपको आने वाले वीडियो किस बैंक की रिव्यू पे चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।